नमस्कार दोस्तों, फ्रेंचाइज बाइट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। गाइज, हम आपसे हमेशा डिफरेंट फ्रेंचाइज बिजनेस के ब्रांड्स, मॉडल्स एंड आइडियाज शेयर करते आए हैं, पर आज हम एक नया सेक्शन फ्रेंचाइज न्यूज की शुरुआत करने जा रहे हैं। यहाँ आपको फ्रेंचाइज और बिजनेस से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज और इवेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो चलिए, फ्रेंचाइज बाइट से मैं हूँ संतोष मजुमदार और हम फ्रेंचाइज न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज के मेजर हेडलाइंस कुछ इस प्रकार हैं। फ्रेंचाइज के माध्यम से ग्लोबल ब्रांड्स करना चाहती है इंडियन मार्केट में प्रवेश। 2028 तक भारतीय फ्रेंचाइज इंडस्ट्री $150 बिलियन का हो जाएगा। इंटरनेशनल कॉफी ब्रांड लंडन कॉफी अब खोलने जा रहा है इंडिया में फ्रेंचाइज। हेल्थ एंड फिटनेस के टॉप प्लेयर कल्ट फिट ने 100 फ्रेंचाइज का माइलस्टोन पूरा किया। कोयम्बटूर और पुणे में फेक वेबसाइट ने KFC फ्रेंचाइज का वाला कर कस्टमर से लाखों रुपए का फ्रॉड किया। मामला साइबर क्राइम पुलिस में दर्ज। दोस्तों, हमारे आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करके ऑल को सिलेक्ट करें। इससे आपको फ्रेंचाइज बिजनेस से रिलेटेड हर टाइप का इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। गाइज, हमारे न्यूज बुलेटिन का पहला सेगमेंट है फैक्ट्स एंड फिगर्स का। फ्रेंचाइज के माध्यम से ग्लोबल ब्रांड्स करना चाहती है इंडियन मार्केट में प्रवेश। हाल ही में गौरव माड़िया, CEO फ्रेंचाइज इंडिया कंपनी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में एक फ्रेंचाइज इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें उन्होंने ग्लोबल ब्रांड्स के पार्टिसिपेशन को देखते हुए कहा कि अराउंड 125 ग्लोबल ब्रांड्स इंडिया में अपनी फ्रेंचाइज सेटअप करना चाहते हैं। इससे करीब 2000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, वो भी केवल 12 महीनों में। इन ब्रांड्स में सबसे ऊपर है एंटरटेनमेंट और लीजर की दुनिया से जुड़ी कंपनीज, उसके बाद आती है रेस्टोरेंट्स और अपैरल कंपनीज। रिसेंटली ओपन हुए साउथ अफ्रीकन रेस्टोरेंट्स, जर्मन ब्रिवरी और सुपर पार्क्स जैसे बड़ी कंपनी का इंडिया में इन्वेस्ट करना इस फैक्ट को और मजबूत बना देता है कि आने वाला समय है ग्लोबल फ्रेंचाइज का। अब बढ़ते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स सेगमेंट के दूसरी हेडलाइन की ओर। इंडियन फ्रेंचाइज इंडस्ट्री जल्दी बन जाएगा $150 बिलियन का। फैनकास्ट व्हाइट पेपर के फ्रेंचाइज फोरकास्ट 2023-24 की रिपोर्ट के मुताबिक 2028 तक इंडियन फ्रेंचाइज मार्केट $150 बिलियन का इंडस्ट्री हो जाएगा। इसके दो वजह बताए जा रहे हैं। पहला, जैसे कि हमने आपको पहले हेडलाइन में बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट भारत के फ्रेंचाइज मार्केट में तेजी से बढ़ रहा है, और दूसरा रीजन है कि उसी रेट से कंज्यूमर एक्सपेंडिचर भी अब बढ़ने लग गया है, जो कि फ्रेंचाइज बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इंडस्ट्री का करंट इवैल्यूएशन अराउंड 80,000 करोड़ है और इसकी एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट 30-35% है, जिसका मतलब अगले आने वाले 5 सालों में यह बिजनेस करीब 3 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। आउटस्टैंडिंग। इंडिया में फिलहाल 4600 फ्रेंचाइजर्स हैं और अराउंड 2 लाख आउटलेट्स हैं, जिनमें 35% फूड बिजनेस के फ्रेंचाइज हैं। तो गाइज, ये एकदम सही टाइम है फ्रेंचाइज बिजनेस में इन्वेस्ट करने का। गाइज, हमारे न्यूज बुलेटिन के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। हमारा दूसरा सेगमेंट है न्यू लॉन्च का, जिसमें हम आपको न्यूली ओपन्ड या टू बी लॉन्च फ्रेंचाइज के बारे में बताएंगे। इस सेगमेंट की आज की हेडलाइन है, इंटरनेशनल कॉफी ब्रांड लंडन कॉफी अब खोलने जा रहा है इंडिया में फ्रेंचाइज। लंडन कॉफी, जो कि 1975 में लंडन में स्टार्ट हुआ था, अब इंडियन मार्केट में अपनी फ्रेंचाइज शुरू करने जा रहा है। इस कंपनी का रीच विश्व भर में है विथ ओवर 390+ आउटलेट्स। इसकी USP है कंज्यूमर्स को एक ऑर्गेनिक और रिच कॉफी एक्सपीरियंस देने की। लो मैन पावर कॉस्ट, वन टाइम इन्वेस्टमेंट और ऑल ईयर राउंड कस्टमर्स इस कॉफी ब्रांड को एक आकर्षक चॉइस बना देता है फ्रेंचाइज लेने के लिए। लंडन कॉफी 4 फ्रेंचाइज मॉडल ऑफर कर रहा है भारत में, और ये आपको प्रोवाइड करेंगे प्री एंड पोस्ट लॉन्च सपोर्ट, ट्रेनिंग, मार्केटिंग सपोर्ट और भी बहुत कुछ। इस फ्रेंचाइज के बारे में जानने के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या हमारे वेबसाइट franchisebyte.com को विजिट कर सकते हैं। हमारे फ्रेंचाइज न्यूज का नेक्स्ट सेगमेंट है सक्सेस स्टोरीज का। हेल्थ एंड फिटनेस के टॉप प्लेयर कल्ट फिट ने इंडिया में 100 फ्रेंचाइज का माइलस्टोन पूरा किया। कल्ट फिट ने हाल ही में इंडिया में अपनी 100th फ्रेंचाइज आउटलेट ओपन किया, जो कि अपने आप में ही बड़ा अचीवमेंट है,
क्योंकि इस ब्रांड को लॉन्च हुए सिर्फ 3 साल हुए हैं और देश के टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज में इन्होंने अपने 100 फ्रेंचाइज आउटलेट एस्टेब्लिश कर दिए हैं। ये ब्रांड अपने कस्टमर्स को इक्विपमेंट बेस्ड वर्कआउट के साथ साथ देता है नॉन मशीन बेस्ड ग्रुप वर्कआउट जैसे योगा, जूम्बा, एरोबिक्स, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, वो भी ऑल अंडर वन रूफ। और यही रीजन है कि सिर्फ 3 सालों में इस कंपनी ने इतना एक्सपैंड कर लिया है। कल्ट फिट का विजन है कि 2025 तक वो एटलीस्ट 200 आउटलेट्स ऑल ओवर इंडिया में सेटअप कर दें। आज का हमारा आखिरी सेगमेंट है स्कैम अलर्ट का, जिसमें हम आपको फ्रेंचाइज स्कैम या फ्रेंचाइज फ्रॉड के बारे में अलर्ट करेंगे ताकि आप एक जागरूक कंज्यूमर बने और किसी भी प्रकार के फेक फ्रेंचाइज से बच सकें। कोयम्बटूर और पुणे में फेक वेबसाइट ने KFC फ्रेंचाइज का वादा कर कस्टमर से लाखों रुपए का फ्रॉड किया। मामला साइबर क्राइम पुलिस में दर्ज। कोयम्बटूर में एक 22 वर्षीय महिला ने ऑनलाइन KFC फ्रेंचाइज का एड देखकर उस पर दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट किया, जहां एक शख्स ने खुद को KFC का टॉप ऑफिशियल बताकर फ्रेंचाइज फी और इंटीरियर्स का इनवॉइस पर KFC का लोगो यूज कर डॉक्यूमेंट्स विक्टिम के साथ शेयर किए और महिला से अपने अकाउंट में 14 लाख रुपए का ट्रांसफर करवा लिया और रुपए मिलते ही अपना नंबर स्विच ऑफ कर दिया। ऐसा ही कुछ हुआ पुणे के एक बिजनेस वुमन के साथ, जहां फेक फ्रेंचाइज डीलर्स ने KFC के फ्रेंचाइज का वादा कर नकली डॉक्यूमेंट्स दिखाकर विक्टिम से 80 लाख रुपीस का फ्रॉड किया। ये दोनों मामले साइबर पुलिस के साथ दर्ज किए जा चुके हैं और पुलिस द्वारा इन केसेस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इसके चलते KFC ने भी अपने वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिस जारी किया है, जहां उन्होंने ऑफिशियल ईमेल आईडी शेयर किए हैं और ऐसे फेक वेबसाइट्स को अवॉइड करने का सलाह दिया है। दोस्तों, ऐसे फेक फ्रेंचाइज से बचने के लिए आप हमेशा कंपनी के ऑफिशियल ईमेल आईडी से आए हुए ईमेल पे ही भरोसा करें और पैसा हमेशा कंपनी के अकाउंट में ही ट्रांसफर करें। हम नेक्स्ट वीक एक डिटेल्ड वीडियो लाने वाले हैं फ्रेंचाइज स्कैम्स पर, वहां हम आपको फ्रेंचाइज फ्रॉड से बचने के सारे तरीके बताएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का फ्रेंचाइज न्यूज यहीं पर समाप्त होता है। ऐसे और भी इन्फॉर्मेशन और इनोवेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप आज के न्यूज में मेंशन किए गए ब्रांड्स को और एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट फ्रेंचाइज बाइट पे जाके इन ब्रांड्स के बारे में पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। Also check out our YouTube Shorts and Instagram Reels. तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ और आप सभी को फ्रेंचाइज बाइट की तरफ से ऑल द बेस्ट।